हाय गाइस, आई एम सूरज राज। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 2021 में आने वाले इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन, जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। आप चाहे यदि आप यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार से हैं, कहीं से हैं, तो हम आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी ला रहे हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, पीडीएफ आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको क्या होगा, वहां से आप इतने अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वहां से 85% प्लस आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो यार अपना चांस क्यों खो रहे हो, चांस क्यों खो रहे हो? जो चीज मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, समझदार है, सबसे बड़ी बात है। देखो कठिन परिश्रम करोगे ना तभी कुछ मिलने वाला है, बिना कठिन परिश्रम के कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, इस बात को याद रखना, ठीक है? तो मैं जो बोल रहा हूं अब बात करने वाले इस वीडियो में सिर्फ जो रिटन एग्जाम होता है जिन छात्रों का, उनकी बात करेंगे। रिटन एग्जाम में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है वो ध्यान दे लीजिए, क्या क्या पढ़ के जाना है वो ध्यान दे लीजिए सबसे पहले, ठीक है? तो फटाफट ओपन करिए अपने बुक, नोट्स, गैस पेपर, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं। बाकी हमारे जो ऐप बनेंगे उसमें हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऐप से क्या करेंगे, नोट्सों को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इकोसिस्टम क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इकोसिस्टम पर टिक लगाइए, इकोसिस्टम इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है? अब इकोसिस्टम जो आपने पता लग गया भैया परिसर तंत्र क्या होता है, ठीक है? परिसर तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम, तो ये आप देखेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा है उसके ऊर्जा प्रवाह के बारे में, कुछ नहीं, जब इकोसिस्टम पढ़ लोगे तो पूरा सब कुछ वही मिल जाएगा, ठीक है? उत्पादकता की अवधारणा क्या होती है ये देख लेना, जैविक समुदाय क्या होता है इसको देख लेना, ये शॉर्ट में देखने को मिलेंगे आपको, लॉन्ग नहीं कह रहा हूं, शॉर्ट में देखने को मिलेंगे। एनिमल वायरस क्या होते हैं, प्लांट वायरस क्या होते हैं, इन दोनों प्लांटों के वायरस को देखना। और सबसे ज्यादा टीएमबी वायरस आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको टिक लगा लो, ठीक है? उसके बाद में मनुष्य में वृद्धि वक्रता की सहायता की जनसंख्या की संख्या, छोड़ दीजिए इसको। देखिए एक आता है व्यवहार, देखिए व्यवहार क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट व्यवहार, और अधिगमन क्या होता है, ठीक है? व्यवहार के दो भाग हो सकते हैं, अधिगमन व्यवहार, व्यवहार क्या होता है ये आप सब कुछ देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। बैक्टीरिया के गुण क्या होते हैं, छोड़ो इसको। प्रदूषण, प्रदूषण आप देखेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये आपसे एक प्रदूषण जरूर पूछता है, जल प्रदूषण मुझसे, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या तो आप नाइन्थ से पढ़ के चले आए, सब कुछ बना के लिख के आएंगे, मुझे पता है, छोड़ के नहीं आएंगे आप। उसके बाद में आता है एंटीडॉल, एंटीडॉल और उनकी प्रक्रिया, इसको आप पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, डीडीटी क्या होता है, ओजोन छिद्र क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जन्म दर मृत्यु दर क्या होते हैं ये आप पढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला, फूड चैन क्या होता है, आप इसको पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फूड, देखिए खाद्य जाल क्या होता है, फूड वेब जिसे बोलते हैं। ऊर्जा का पैरामीटर क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेंगे। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, प्लस माइनस वाले जो होते हैं। बैक्टीरिया क्या क्या होता है, पीपीएलओ बैक्टीरिया, पीपीएलओ बैक्टीरिया मोस्ट इंपोर्टेंट। जीवाणु भोजी में ऊपर बता चुका हूं, जीवाणु भोजी में ऊपर बता चुका हूं, इसको पढ़ लेना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है? मधुमक्खी की भाषा की देखनी, राइन एसिड क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है? ऐसे ड्राइन से बोलते हैं। और उसके बाद में देखिए जंतु का अनुकरण व्यवहार क्या होता है, इसको छोड़ो। समुदाय में ऊपर बता चुका हूं, समुदाय में ऊपर बता दूंगा, जैविक समुदाय ऊपर बता चुका हूं, ठीक है? अनुकूलन और जलीय अनुकूलन क्या होता है, इसको पढ़ लेना, अनुकूलन को पढ़ लेना। परजीविता मैंने ऊपर फर्स्ट पेपर में बता रखा है, वहां पढ़ लोगे तो यहाँ खुद याद हो जाएगा, ठीक है? वहीं सब कुछ लिख के याद आओगे बना बना। कुष्ठ रोग क्या होता है इसको देख लेना, टिटनेस रोग क्या होता है, ये रोग के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है? और उसके बाद में सूक्ष्म जैविका क्या होती है इसको छोड़ो, और श्वसन इसको छोड़ो, फूड एडेंटिव्स इसको देख लेना। और उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, अंकुरजन छोड़ो, हाँ अंकुरजन व्यवहार, देखो जब व्यवहार पढ़ोगे ना, व्यवहार ऊपर मैंने आपको बताया था, तो अंकुरजन व्यवहार भी आपको देखने को मिलेगा, जो व्यवहार के क्या होते हैं, देखो व्यवहार क्या होता है ये आप पढ़ोगे ना, यह सबको देखने को मिला, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो व्यवहार को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है? आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा। और एग्जाम से पहले जो भी इंप्रूवमेंट, देखिए आप तैयार कर लो इनको, बहुत इंप्रूवमेंट, देखो हम एग्जाम से पहले आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, आपको सभी को बताएं। और आपको हमारे जितने भी चैनल हैं बीएससी के छात्रों, तो बीएससी पेपर है का को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ज्यादातर वीडियो बीएससी की वहां प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? दिक्कत होती है यहाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट यहाँ डालते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कोई इशू नहीं है। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिस पे लिंक आ जाता है वो चीज आपको देख लेनी है अपनी मनपसंद की, ठीक है? कोई इशू नहीं है, और मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।